रिकॉर्डिंग के लिए रिमाइंड करवाने के लिए। चलो कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट ही किया है। चलिए फाइन। तो दो डिपेंडेंसीज हैं आपके पास, पार्शियल एंड फुल। इसमें हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी डिपेंडेंसी है, फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रोवाइडेड है। अगर दो केसेस हैं, अगर आपकी पूरी कैंडिडेट की मिलकर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये पूरा रिलेशन है, ठीक है। इस रिलेशन में वी हैव कैंडिडेट की ए बी, ठीक है। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन सी हो जाएंगे आपके पास? प्राइम तो हो जाएंगी जो भी कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम होगी, दैट इज एट्रीब्यूट नंबर ए और एट्रीब्यूट बी। वेयर एज जो भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो कौन सी एट्रीब्यूट हो जाती है आपके पास? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। सिंपल, यानी कि आपके पास नॉन प्राइम हो गई सी डी ई एंड एफ, ये सारी एट्रीब्यूट्स आपके पास नॉन प्राइम हो गई। सिंपल रखना है फंडा, इसको कॉम्प्लेक्स मत करना। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, ठीक है। आपका प्राइम एट्रीब्यूट वो जो कैंडिडेट के पार्ट है, कैंडिडेट का पार्ट नहीं है, की का पार्ट नहीं है, तो वो कौन सी एट्रीब्यूट बन जाएंगी? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। फाइन, यहाँ पे देखो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पूरे के पूरे प्राइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की बात करूं मैं, अगर यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही हैं, पॉइंट, दोनों मिलकर, ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर रहे हैं, तो ये केस होता है हमारे पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ठीक है। कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी कैंडिडेट की आपको दे दी गई और वो दोनों कैंडिडेट की मिलकर किसी तीसरे नॉन प्राइम को कैलकुलेट कर रही हैं, फाइंड कर रही हैं, वो केस होता है हमारे पास फुल डिपेंडेंसी का। वेयर एज अगर किसी कैंडिडेट की का कोई पार्ट, यानी कि इस कैंडिडेट की में ए और बी दो एट्रीब्यूट्स हैं और इसका एक पार्ट हो सकता है ए और एक पार्ट हो सकता है बी, अगर कैंडिडेट की का कोई पार्ट अकेले ही किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर ले, ठीक है, कैंडिडेट की का कोई पार्ट दैट इज बी एट्रीब्यूट अकेले ही, उसको ए की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही अपने आप में इतना वेल सफिशिएंट है कि वो डी को फाइंड कर लेगा, ठीक है, अकेले ही वो इतना वेल सफिशिएंट है, उसमें इतनी कैपेसिटी है कि बी अकेला डी को फाइंड कर सकता है। दिस पर्टिकुलर केस इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी। दो टाइप्स की डिपेंडेंसी हमने देखी अभी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमारे पार्शियल डिपेंडेंसी काम में आएगी, ठीक है। दो केसेस है हमारे पास, एक केस तो क्या हो गया कि एक एट्रीब्यूट है ए बी सी डी, आपके पास इतनी सारी एट्रीब्यूट एक रिलेशन में प्रोवाइडेड है, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी की है। एक फंक्शनल डिपेंडेंसी तो ये कहती है कि जो भी कैंडिडेट की है ना, सारी की सारी कैंडिडेट की मिलकर किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही हैं, सारी की सारी मिलकर किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही हैं, वो केस होगा आपके पास फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी का। और अगर ऐसा हो कि कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट अकेले ही, कोई भी प्राइम एट्रीब्यूट कोई भी कैंडिडेट की का पार्ट अकेले ही किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड कर दे, वो केस होता है हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी का, ठीक है। क्यों है फुल डिपेंडेंसी? पूरी की पूरी कैंडिडेट फाइंड करेगी किसी नॉन प्राइम को। पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई एक प्राइम एट्रीब्यूट अकेले ही किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर लेगी, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, पार्शियल डिपेंडेंसी एंड फुल डिपेंडेंसी में। एनीवन, समझ आया पार्शियल डिपेंडेंसी एंड फुल डिपेंडेंसी क्या होती है? देखो उसके भरोसे मत रहना, रिकॉर्डिंग्स के भरोसे। एक बार क्लास में अटेंटिव रह के कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लीव कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिकॉर्डिंग्स बाद में देख लेंगे, समझ नहीं आता है। आई विल रिकमेंड यू ऑल। हाँ सिद्धार्थ, मैं भाई वापस समझाओ ना, फुल और पार्शियल। देखो आपके पास कैंडिडेट की का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, कौन कैंडिडेट की यस क्या मैम। होती है, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट की है, फॉर एग्जाम्पल ए बी मेरी कैंडिडेट की है, फाइन। अगर ए बी कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन सी हो गई? ए और बी प्राइम एट्रीब्यूट हो ए गई, और बी है ना। इसके अलावा जो भी रिलेशन में जो भी एट्रीब्यूट्स हैं सब नॉन प्राइम है, जैसे सी डी ई एफ, सब नॉन प्राइम है। अगर अब ये केस आ गया, ये दोनों मिलकर अगर किसी नॉन प्राइम को कैलकुलेट कर रही हैं, मिलकर कर रही हैं,
वो केस हो गया फुल डिपेंडेंसी का। अगर इन दोनों में से किसी एक ने भी किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर लिया, कोई एक भी किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही है, वो केस हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी का। ओके मैम, दोनों मिलकर अगर किसी नॉन प्राइम को फाइंड करेंगी, वो केस हो गया फुल डिपेंडेंसी। और अगर कोई एक में इतनी कैपेसिटी है कि वो अकेली ही काफी है किसी नॉन प्राइम को फाइंड करने के लिए, वो केस हो गया आपका पार्शियल डिपेंडेंसी का। ठीक है, इतने सारे टर्म्स है, काम कहाँ है ये काम अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म्स में आएंगे बेटा। मैं तो इनको इतने सारे को याद कैसे करेंगे, हर के अंदर तीन तीन चार चार नाउन या ऐसे। अब ये तो टास्क है, इसको याद नहीं करना ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ समझ लो, तो याद नहीं करना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर उतनी ज्यादा ये टर्म्स आपके माइंड में फीड हो जाएंगे, तो एक प्रैक्टिस से भी फर्क पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़ी आ सकता है एनपी के, फुल डिपेंडेंसी क्या होती है और पार्ट आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, फुल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, क्योंकि सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ना आपको पार्शियल डिपेंडेंसी टेबल में रिमूव करनी है। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का रूल ये है कि आपके टेबल में जहाँ कहीं भी आपको पार्शियल डिपेंडेंसी दिख गई, जो भी डिपेंडेंसीज प्रोवाइडेड हैं आपको, एफडीज जो भी प्रोवाइडेड है, उसमें से पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है। तो जब तक आपको यही समझ नहीं आएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी होती क्या है, उसको रिमूव कैसे करोगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, राइट? ओके मैम, इसलिए इम्पोर्टेंट है पता होना चाहिए कि पार्शियल क्या होती है, फुल क्या होती है क्या, ताकि उसको रिमूव करने में थोड़ी हमको हेल्प रहे। ओके, पार्शियल एंड फुल डिपेंडेंसी में किसी को प्रॉब्लम है? यस वैभव, मैम मेरे को पार्शियल डिपेंडेंसी थोड़ा ऑफिस होता है ना। पार्शियल डिपेंडेंसी बेटा कुछ नहीं है, जो भी आपकी कैंडिडेट की है ना, जो भी कैंडिडेट की है, ए बी हो गई, सी डी हो गई, डी ई हो गई, कोई सी भी कैंडिडेट की हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी डिपेंडेंसीज के ऊपर, क्लोजर फाइंड करके फाइंड करोगे। अगर पूरी की पूरी कैंडिडेट की मिलकर किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही हैं, ठीक है, नॉन प्राइम हो गई कैंडिडेट की के अलावा वाली एट्रीब्यूट्स, प्राइम हो गई कैंडिडेट की एट्रीब्यूट, कि दोनों मिलकर किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर रही हैं, ये केस हो गया फुल डिपेंडेंसी का। और अगर इन दोनों में से कोई अकेली, जैसे ए अकेली ही डी को फाइंड कर ले, कोई अकेली ही एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर ले, तो ये केस हो जाता है आपका पार्शियल डिपेंडेंसी का। ओके, इसको ध्यान में रखना, दोनों मिलकर फाइंड करेंगी अगर किसी नॉन प्राइम को, वो केस है फुल डिपेंडेंसी। अकेली ही अगर कोई भी एक एट्रीब्यूट कैंडिडेट की का पार्ट है, प्राइम एट्रीब्यूट है, अकेली ही किसी नॉन प्राइम को फाइंड कर लेगी, तो वो केस हो जाएगा हमारे पास पार्शियल डिपेंडेंसी का। सिंपल। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू आर वेलकम बेटा। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए ठीक है, एनीवन, ओके, चलिए आगे करते हैं हम। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास अब की रूल क्या है? ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के मैंने आपको सेट ऑफ तीन रूल्स बताए, उन तीन रूल्स को अगर फॉलो करेगा कोई भी डेटाबेस, तो वो आपका टेबल कहलाया जाएगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अदरवाइज आपको उसको डिकम्पोज करना है इंटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ऐसे पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे आपके ऑटोमिक वैल्यूज नहीं थी, इसको आपने डिकम्पोज कर लिया फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का हमारे पास अगेन सेट ऑफ रूल्स है प्रोवाइडेड है, अगर ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, हमारी टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है। और अगर ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो हमारी टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। ठीक है, डिकम्पोज करने के लिए अगेन फर्स्ट रूल जो कहता है हमारा, वो ये होता है इट शुड बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है हमारा, हमारे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी ही चाहिए, तभी वो एलिजिबल है सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था। सेकंड रूल है हमारा पास नो पार्शियल डिपेंडेंसी। ठीक है, क्या रूल है हमारे पास, सेकेंड रूल नो पार्शियल डिपेंडेंसी। फाइन, पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर आपके डेटाबेस में आपको डिपेंडेंसी सेट ऑफ डिपेंडेंसीज प्रोवाइडेड होंगी, और उस डेटाबेस की वो डिपेंडेंस में आपको जैसे ही पार्शियल डिपेंडेंसी दिख गई, आपको क्या करना है, बोल देना है कि यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है, दैट मीन्स मेरा टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे पार्शियल डिपेंडेंसी, देखो मतलब समझ आ गया होगा, आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल, मान लीजिए आपके पास टेबल प्रोवाइडेड है, रिलेशन प्रोवाइडेड है, जिसमें चार एट्रीब्यूट्स प्रोवाइडेड हैं,
विच इज ए बी सी एंड डी. ठीक है, चार एट्रीब्यूट प्रोवाइडेड हैं ए बी सी एंड डी. फाइन, सबसे पहले क्या और आपको दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज प्रोवाइडेड हैं, ए बी से आपको डी मिल रहा है और बी से आपको सी मिल रहा है. ठीक है, सबसे पहले का टास्क क्या होता है, आपको की फाइंड करनी है कि की क्या है. की फाइंड करोगे तभी पता लगा पाओगे कि कौन सी प्राइम एट्रीब्यूट है और कौन सी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. ठीक है, तो की फाइंड कर लेते हैं. क्या ए मेरी की है? क्या ए से हमको ए ए का क्लोजर अगर मैं फाइंड करूं तो ए से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा. फाइन, अकेली बी मेरी की बन सकती है क्या? बी हमारी अकेली की बन नहीं सकती कि चलो ठीक है बी से मुझे बी मिल जाएगा और बी से हमको एक और सी एट्रीब्यूट मिल जाएगी. तो यस, सी बी भी हमारा की नहीं मिल सकती. ऐसे ही सी बी की एट्रीब्यूट नहीं बन सकती और ऐसे ही डी बी नहीं मिल बन सकती. अगर मैं इन प्राइम इन फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसिडरेशन में लेती हूँ, मेरे को ये दो प्रोवाइडेड है तो इन्हीं की हेल्प से मैं हमारी की को बनाएंगे. ठीक है, यानी कि कोई अकेली एट्रीब्यूट तो ये काम नहीं कर पा रही. हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं की को बनाने के लिए. यस सिद्धार्थ, मैम ओनली डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे ना अपन. अपन डिटर्मिन अपन बेसिकली हाँ डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं. अपन को बेसिकली सारी एट्रीब्यूट्स चाहिए कि कौन सी एट्रीब्यूट्स हम क्या फाइंड कर सकते हैं. जैसे बी से हम सी का पता लगा सकते हैं, है तो ना? चेक अपन ओनली लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे ना, क्योंकि सी से तो अपन किसी को पता लगा ही नहीं सकते. हाँ बिल्कुल, सी से अपन किसी को तो, अब जैसे सी का आप क्लोजर क्रिएट करोगे तो सी से कोई कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रही क्योंकि सी तो पे अपन कोई चेक करेंगे डिपेंडेंट. सी को मतलब ऐसे. हाँ, कौन सी एट्रीब्यूट आपकी डिपेंडेंट है वो चेक करो बस, सिंपल कि किस एट्रीब्यूट से क्या मिल रहा है आपको. ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिटर्मिनेंट एंड डिपेंडेंट, इस पे बिल्कुल ध्यान से आपका जो जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, जो भी क्लोजर निकाल रहे हो, वो डिपेंडेंट साइड नहीं पे नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट साइड पे होना चाहिए. ठीक है, ओके मैम. चलो ठीक है, ओके. तो ये हो गया, यानी कि सिंगल सिंगल एट्रीब्यूट्स तो कुछ की बन नहीं रही. अब हम क्या ट्राई करते हैं, हम कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशंस हमारी की क्या होती है, या एक एट्रीब्यूट हो सकती है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हो सकती है. मैंने कीज के कंसेप्ट में बताया था आपको. ठीक है, तो हम पहला कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ए और बी का. ठीक है, फिर हम ले लेंगे बी और सी का, फिर हम ले लेंगे सी और डी का. बहुत सारे बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, सबको आप चेक कर सकते हो इन फंक्शनल दो फंक्शनल फर्स्ट फंक्शन डिपेंडेंसी और सेकंड डिपेंडेंसी के बेसिस पे. तो चलिए ए और बी से चेक करते हैं. ए और बी दोनों मिल्क, ए और बी का मैं क्लोजर क्रिएट करती हूँ. ए और बी के क्लोजर से हमको दो तो पता चली गई क्योंकि ए और बी तो हमारे पास प्रोवाइडेड ही है, उनका तो हम चेक ही कर रहे हैं, तो ए और बी तो हमको मिल ही गए. ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग मुझे ए और बी से क्या मिल रहा है, डी मिल रहा है. तो यस, ए और बी अगर आपको पता चल गए तो आपको डी भी पता चल जाएगा. ठीक है, सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिल जाएगा, बी से, क्योंकि ए और बी दोनों मिल पता पड़ ही रहे हैं. ठीक है, जो आपका डेटाबेस का जो यूजर है वो आपको दो एट्रीब्यूट प्रोवाइड कराएगा और दो एट्रीब्यूट के बेसिस पे क्या आप सारी एट्रीब्यूट पता लगा सकते हो क्या. ठीक है, तो अगर आपको ए भी प्रोवाइड कर जाए, बी भी दे जाए, तो उससे तो डी मिल जाएगा और अकेले बी से आपको सी मिल जाएगा. ठीक है, क्योंकि ए भी पता है, बी भी पता है, तो अकेले बी से हमको क्या मिल गया, सी भी मिल गया. तो यहाँ पे देखो, ए बी अगर मुझे पता चल जाए तो मेरे को ए पता, बी पता चल जाएगा, सी एंड डी पता चल जाएगा. दैट मीन्स सारी की सारी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू हमको पता चल जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ, हमारी ए बी क्या बन जाती है, की बन जाती है. ठीक है, ए बी क्या बन जाएगी, की बन जाएगी. अब ये सुपर की है, अभी फिलहाल ये क्या है, सुपर की. कैंडिडेट चेक कर लो, ए अकेला और बी अकेला, इसके सबसेट अपने आप में सुपर की नहीं होने चाहिए. तो ना ही ए अकेला की बन पाएगा क्योंकि ए से पे तो कोई डिपेंडेंट ही नहीं है और बी से पे सिर्फ सी डिपेंडेंट है, तो हम सी को बी को भी अपनी की नहीं बोल सकते. दैट मीन्स ये हमारी सुपर की बनने के साथ साथ क्या बन जाती है, कैंडिडेट की भी बन जाती है. ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि ये कैंडिडेट ही है, सुपर की ये बनी नहीं सकती. आपको देखते ही समझ आने लगेगा जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे. ओके, ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या हो गई, ए बी हो गई हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट, हमारे पास की हो गई. ठीक है, ऐसे ही बी और सी को फाइंड कर लो. डी और बी और सी को अगर मैं देखूं, बी और सी का क्लोजर फाइंड करिए. चलिए, बी और सी के क्लोजर्स में कौन कौन सी वैल्यूज मिल जाएंगी आपको, बी एंड सी, और कोई मिल रही है क्या? ए और बी दोनों मिलकर डी को पता लगा रहे हैं. ठीक है, और हमको बी और सी पता है, तो बी से हमको सी, बी सी तो हमको पता ही है. फाइन, तो इस पे अगेन हमारे को दो एट्रीब्यूट्स नहीं मिली तो बी और सी हमारी की एट्रीब्यूट नहीं बन सकती. ऐसे ही सी और डी के लिए कर लो. सी के सी और डी तो अपने आप में डिपेंडेंट हैं, वो किसी पे अपने आप खुद पे डिपेंडेंट हैं, तो क्या ही
की बन पाएंगे. फाइन, तो इस पूरे प्रोसीजर से आपने एक चीज समझ ली कि आपकी कैंडिडेट की कौन सी हो गई, कैंडिडेट की हो गई मेरे पास ए एंड बी. फाइन, कैंडिडेट की जैसी मैंने बी बनाई, कैंडिडेट की हो गई मेरे पास ए एंड बी. जैसे ही हमने कैंडिडेट की बनाई तो दो एट्रीब्यूट्स मैंने फाइंड किए, प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. ठीक है, प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए आपके, ए और बी. और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो सिंपल कैंडिडेट का पार्ट नहीं है, उसके अलावा कौन सी एट्रीब्यूट बची, सी एंड डी. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, क्लियर? आगे बढ़े, चलो ठीक है. कैंडिडेट की का पार्ट है प्राइम है ए बी, और कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है नॉन प्राइम है सी डी. यहाँ पे देखो मैंने आपको, अब अपन डिपेंडेंसी चेक करते हैं. ठीक है, अभी तक कहानी बिल्कुल इजी थी, हमने की फाइंड करी प्राइम और नॉन प्राइम. अब मेरा जो रूल कहता है, मुझे कहता है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के तीन रूल्स थे कि एक टेबल पे एक पर्टिकुलर जगह पे एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, एक कॉलम का हर एक यूनिक नाम होना चाहिए और सेम टाइप नहीं होना चाहिए हर एक कॉलम का. राइट, तो हम बाय डिफॉल्ट, अगर हमको रिलेशन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रोवाइडेड है, तो हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं कि वो हर जगह फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में एक जगह पे ही एक वैल्यू स्टोर की गई होगी. तो हम बोल देते हैं कि यस, हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. अगर आपको एबीसीडी फॉर्मेट में नहीं है प्रोवाइडेड रिलेशन, टेबल के फॉर्मेट में रिलेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिलेशन प्रोवाइडेड है, जैसे ये वाले फॉर्मेट में रिलेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो इसमें तो आप देख के ही पता लगा लोगे कि नहीं भाई, ये हमारी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है. ठीक है, और अगर ये टेबल प्रोवाइडेड करी गई तो आप बोल सकते हो हाँ, ये टेबल हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है. ठीक है, तो हमने देखा कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए फर्स्ट डिप कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, ये पर्टिकुलर रिलेशन फर्स्ट में तो है. सेकेंड में करने के लिए हमको चेक करना है पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी होती है प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की पे अगर पूरी पे कोई एट्रीब्यूट डिपेंड है नॉन प्राइम, तो वो होगा फुल केस, और अगर उसके पार्ट पे कोई नॉन प्राइम डिपेंडेंट है तो वो होगा केस कौन सा, पार्शियल डिपेंडेंसी का. तो यहाँ पे देखो ए और बी आपके पास कैंडिडेट है, इन दोनों पे डिपेंडेंट है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी. ठीक है, ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया फुल डिपेंडेंसी का, जिससे मुझे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा केस चलेगा. सेकंड केस है मेरे पास बी से मुझे मिल रहा है सी. ठीक है, यहाँ पे जो बी है ना वो कैंडिडेट की का पार्ट है. ठीक है, बी क्या है, कैंडिडेट की का पार्ट है, विच इज नोन एज, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी, बी से कोई नॉन प्राइम आप कैलकुलेट कर रहे हो सी, ये कंडीशन हो जाएगी आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी की. ठीक है, और मेरे को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में इसी चीज से प्रॉब्लम है, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, ये पार्शियल डिपेंडेंसी हम एंटरटेन नहीं करते इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि एंटरटेन क्यों नहीं करते, ये रूल है इसका, पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट करनी है. ठीक है, अब एक केस हो सकता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी एलिमिनेट कर दी, मैंने रूल बता दिया नो पार्शियल डिपेंडेंसी. ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि क्यों, कोई इंटरेस्टेड है या आगे बढ़े कि पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों हटानी है, क्वेश्चन आया होगा माइंड में, सिद्धार्थ आया क्या? यस मैम. आया ना, चलो ठीक है. ये उल्टा अपन को फुल हटानी चाहिए थी, क्योंकि इजी पड़ता है ना, क्योंकि एक ही तो एट्रीब्यूट है अपने पास, तो उससे सब एक्सेस कर सके अपन. अच्छा ठीक है, देखो क्यों हटानी चाहिए मैं आपको डिस्कस कर लेते हैं, भले ही अपना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, लेकिन कोई कांसेप्ट समझ रहे हो तो उसको अच्छे से समझना चाहिए. टेबल कहाँ गई हमारी, अरे टेबल कहाँ गई हमारी, टेबल इंक्लूड नहीं की थी क्या, ये भी. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टेबल है. ठीक है, ये टेबल है आपके पास, इस केस में मैंने बोल दिया कि मेरे पास प्राइम एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी एंड नेम. ठीक है, हमारे पास कैंडिडेट की कौन बन जाती है, स्टूडेंट आईडी एंड नेम. दैट मींस प्राइम एट्रीब्यूट हो गई स्टूडेंट आईडी एंड नेम, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गई एज, बीआर कोड, ब्रांच नेम, एचओडी नेम, एग्जांपल के तौर पे अभी ले रहे हैं अपन. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि दो केसेस हो सकते हैं. ठीक है, एक केस तो हो गया कि स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों मिलकर एज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और एक केस हो गया सिर्फ नेम अकेला ही एज को कैलकुलेट कर रहा है. ठीक है, ये केस हो गया फुल डिपेंडेंसी का और ये केस हो गया पार्शियल डिपेंडेंसी का. यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ आ गया? चलिए,
अब अपन मैं बताती हूँ कि दोनों में से किससे प्रॉब्लम है, कि फॉर टाइम बीइंग अगर मैं फ्यूचर परस्पेक्टिव से सोचूं तो यहाँ पे आप देखो कि स्टूडेंट आईडी और नेम दोनों मिलके एज को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कभी मैंने यूज़र को कमांड दे दिया कि जिस स्टूडेंट आईडी का नाम 1 होगा वैल्यू और एज हो नेम होगा उसका ए, उसकी एज कैलकुलेट करके बता दीजिए 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों एट्रीब्यूट्स को प्रोवाइड करना ज़रूरी है, ठीक है। दोनों एट्रीब्यूट्स को आप प्रोवाइड करोगे तभी आपको एज की वैल्यू मिलेगी। अगर आपने कभी ऐसा किया, कि हम स्टूडेंट आईडी पे हमने नल या स्टूडेंट आईडी पे 1 पास करवा दो, टू सेकंड टपल को ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी पे मैंने 2 पास करा दिया और नेम में मैंने कुछ भी पास नहीं किया, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्यूचर परस्पेक्टिव के लिए। अगर मैंने बोला कि स्टूडेंट आईडी की वैल्यू तो 2 है और नेम में मैंने नल वैल्यू पास कर दी, तो उस केस में हम इस नल वैल्यू पे डिपेंडेंट तो वैसे भी नहीं थे, हम तो दो जनों पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। दो जनों में से कोई एक धोखा भी दे रहा है तो हमारे पे फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, हम तब भी एज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि मुझे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू पता है, ठीक है। इस केस में हमारे पास दो जनों पे हम डिपेंडेंट थे तो हमने थर्ड एट्रीब्यूट को 2 पे डिपेंडेंस 2 पे छोड़ा था, इसलिए कोई एक नल भी हो जाती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं थर्ड एट्रीब्यूट को फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। वेयर एज अगर ये दूसरा केस होगा, पार्शल वाला केस होता है कि नेम पे एज डिपेंडेंट है, तो अगर मान लो कि अगर मेरे को यहाँ पे नल वैल्यू मिल गई, जैसे ऊपर वाले केस में मिला था ना, नेम नल मिल गया, मैंने एज फिर भी कैलकुलेट कर ली क्योंकि मुझे स्टूडेंट आईडी पता थी स्टूडेंट की, अगर मेरे को नेम नल मिल गया तो मैं कभी एज कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। पार्शल डिपेंडेंसी का क्या मतलब हुआ कि अगर प्राइम एट्रीब्यूट के कोई पार्ट पे आप डिपेंडेंट हो और वो पार्ट ही कभी नल आपको मिल जाए इन फ्यूचर, तो वो जो डिपेंडेंट एट्रीब्यूट है एज, वो कभी आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। मैम अगर कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट हुई तो? कैंडिडेट में एक एट्रीब्यूट हुई तो फिर तो वो तो कैंडिडेट है, वो तो कभी नल हो नहीं। अच्छा, फिर उसके अंदर नल हो ही नहीं सकता, वो प्राइमरी की बन जाएगी, प्राइमरी की का रूल है कि कभी वो नल होती नहीं है, है ना। Yes, ma'am. कैंडिडेट की का रूल नहीं है कि वो कभी नल नहीं हो सकती, प्राइमरी की का तो रूल है कि वो कभी नल नहीं हो सकती, ठीक है। कैंडिडेट तो आपके दो पार्ट्स में है, अगर स्टूडेंट आईडी नेम दोनों मिलके वो काम कर रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक ने धोखा भी दे दिया, कोई एक नल मिल गई, तो आप जो एक एट्रीब्यूट जो आपके पास प्रोवाइडेड है उससे आपने थर्ड एट्रीब्यूट फाइंड कर लिया, ठीक है। वेयर एज अगर किसी पार्ट पे आप डिपेंडेंट हो जाते हो और वो पार्ट ही आपको बॉयकॉट कर दे, वो पार्ट ही आपका कभी नल मिल जाए आपको, तो एज कभी इस स्टूडेंट की फाइंड कर ही नहीं सकते, हम अटक ही जाएंगे हम अपनी प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो हमने अपने डेटा, हमारा टारगेट क्या था नॉर्मलाइजेशन में, डेटा को अच्छी तरीके से अरेंज करने का, ठीक है। तो हमने बोला फुल डिपेंडेंसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल डिपेंडेंसी इज बेस्ट केस फॉर मी, क्योंकि अगर दो एट्रीब्यूट पे कोई थर्ड एट्रीब्यूट डिपेंडेंट है, दोनों में से कोई एक नल भी हुई तो मैं फर्स्ट वाली से कैलकुलेट कर लूंगी। लेकिन पार्शल से मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि प्राइम कोई भी एट्रीब्यूट किसी एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड है और वो कैंडिडेट है, वो प्राइमरी की नहीं है। कैंडिडेट की अगर वो नल हो गई, कभी भी हो सकती है, ठीक है, कैंडिडेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, क्योंकि कैंडिडेट ही नल मिल गई तो एज हम फालतू कभी फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हमारी पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सबके अंदर दो एट्रीब्यूट तो होगी सर? हाँ, फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। अच्छा, अब पार्शियल डिपेंडेंसी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको रूल बताया कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अब बात करेंगे कि क्यों नहीं होनी चाहिए, अब कैसे करेंगे इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। अच्छा ठीक है, टाइम है अभी, मैं जल्दी से बता देती हूँ। चलो ठीक है, ये आपके पास केस है पार्शियल डिपेंडेंसी का, क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी केस में सी एट्रीब्यूट आपकी बी अकेली पे डिपेंडेंट है, तो कभी इन फ्यूचर ऐसा हो जाए कि बी आपको नल मिल जाए तो आप सी को फाइंड ही नहीं कर पाओगे, तो आप जो बोल बड़े प्राउडली बोल रहे हो कि ए हमारी कैंडिडेट है, इससे हम ए बी सी डी तीनों एट्रीब्यूट फाइंड कर सकते हैं, अगर आपको बी नल मिल गई तो क्या आप सी फाइंड कर पाओगे, तो बी नल मिल गई तो सी कभी फाइंड ही नहीं होगी, तो हमारा ये जो कैंडिडेचर है इसका, कैंडिडेट की का, वो कैंसिल हो जाएगा कि तुम फालतू ही वो कर रहे हो, इतना प्राउड ऐसा कुछ है नहीं, कर नहीं पाओगे तुम, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये जो केस है, जो पार्शियल डिपेंडेंसी का केस है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हमेशा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी देखोगे, बॉयस कॉड नॉर्मल फॉर्म में भी देखोगे, कभी भी कोई भी कंडीशन
उस रूल को बॉयकॉट करती है, उसको डिकम्पोज करने के लिए क्या करो, जो भी कंडीशन नेता बन रही है उसको उठाओ और अलग रख दो, ठीक है? क्या करो, उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप, उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को उठाइए और उस डिपेंडेंसी को अलग टेबल में रख दो, ठीक है? यहाँ पे हमारे साथ में है बी और सी, जो दो एट्रीब्यूट हैं पार्शियल डिपेंडेंसी के, हमारे साथ में है, कैंडिडेट की हैं, इसलिए प्रॉब्लम दे रहे हैं। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों को उठा के अलग टेबल में स्टोर कर लूं, अलग टेबल में रख दूं और उस अलग टेबल में मैं इसको प्राइमरी की बना दूं, यहाँ पे तो बी क्या है, कैंडिडेट की है, तो नल हो सकती है, ठीक है? तो हम इस पे रिस्क नहीं ले सकते। अगर मैं क्या करूँ, बी और सी को अलग टेबल में बना दूँ, अलग टेबल में स्टोर कर दूँ और वहां पे बी को मैंने प्राइमरी की बना दिया, तो उस केस में फिर बी कभी नल नहीं हो पाएगी और मेरी ये प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, है ना? जो भी मेरी प्रॉब्लम थी कि बी नल हो गई तो मैं सी को कैसे फाइंड करूंगी, तो इस प्रॉब्लम को मैंने ओवरकम कैसे किया डिकम्पोजिशन में, हमने बी सी को उठाया और बी और सी को अलग टेबल में स्टोर करा। हमने क्या किया, डिकम्पोज करने के लिए दो टेबल्स में इनको स्टोर कर दिया। एक टेबल मैंने बनाई सिंपल, ए बी सी डी आपका रिलेशनशिप था, एक टेबल तो आपका ये फुल जो केस से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रिलेशन आप उसका बना दो ए बी और डी का, और दूसरा रिलेशन आप बना दो जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, जो भी कंडीशन आपकी रूल के अंदर नहीं चाहिए, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, जो भी पार्शियल डिपेंडेंसी लेके आ रहा है उसको उठाओ अलग रख दो, ठीक है? तो डिकम्पोज करने के लिए हमने एक टेबल क्रिएट करी ए बी डी की और दूसरी टेबल मैंने क्रिएट कर दी बी और सी की, ठीक है? ये होता है डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल्स हम लेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, डिकम्पोजिशन एग्जाम्स में आता है, ठीक है स्टूडेंट्स? आपको टेबल दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा कि इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको पता होना चाहिए पार्शियल डिपेंडेंसी को पहले एग्जामाइन करो, पहले सबसे पहले की को एग्जामाइन करो, उसकी नॉन प्राइम को देखो, फिर आप देखो कि डिपेंडेंसी जो भी प्रोवाइडेड है उसमें पार्शियल केस आ रहा है क्या। जहां कहीं पे भी पार्शियल वाला केस मिल जा रहा है उसको उठाइए और उसको अलग टेबल में रख दीजिए। नॉर्मलाइजेशन मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि ये जो सारी बुक्स हैं मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये एक ही डब्बे में अगर रहती, एक ही शेल्फ में रहती तो मैं इनको ढूंढ नहीं पाती। मैंने इनको मैनेज करने के लिए क्या किया, अलग अलग मॉड्यूल्स में स्टोर कर लिया। वैसे ही ये एक ही टेबल में रिलेशन में स्टोर थी तो मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो रहा था, मेरे लिए पार्शियल डिपेंडेंसी नेता बन रही थी ये एट्रीब्यूट, मैंने इसको उठाया और तो मैंने बोला तुम अलग रिलेशन में, अलग टेबल में स्टोर हो, और जो एट्रीब्यूट से प्रॉब्लम नहीं थी उसको मैंने एक टेबल में स्टोर कर लिया, ठीक है? टाइम हो गया है, हम एग्जाम्पल नहीं ले पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगी कि मान लो आपके पास ये टेबल है, ये आपको दे दी गई फंक्शनल डिपेंडेंसी दो, और इस केस में आपको पता करना है कि पार्शियल वाला केस कौन सा है और टोटल फुल डिपेंडेंसी वाला केस कौन सा है, किसको हम हटाएंगे इसके और बाद आपके डिकम्पोजिशन के बाद आपको कौन कौन सी टेबल्स मिलेंगी, ठीक है? ये अपन नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे, ओ सॉरी कल तो नहीं, मंडे को डिस्कस कर लेंगे, फाइन? किसी को कोई